राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल के एसथी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, 18 मई दिन शनिवार को वैशाख पूर्णिमा है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको वैशाख पूर्णिमा की रात को करने वाला एक ऐसा आसान उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपको सिर्फ एक लौंग और एक इलायची से करना है। इस उपाय को करने से धन का लाभ होता है, धन में दुगना तिगना वृद्धि तो होती ही है, धन प्राप्ति के नए मार्ग भी खुलते हैं और धन की हानि नहीं होती, दरिद्रता का नाश होता है। इस उपाय को करते में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करते में काले रंग के कपड़े ना पहनें। इस उपाय को करने के लिए आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्याज लहसुन मीट अंडा मांस मदिरा का सेवन ना करें, धूम्रपान भी ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा भी ना करें, ना ही बात विवाद करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरे दिन शुद्ध आचरण से रहकर भगवान का मन ही मन स्मरण करते रहें और बुद्ध पूर्णिमा की रात को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाएं। एक लौंग और एक इलायची लें, उसे गंगा जल से शुद्ध करें और लौंग और इलायची को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें और फिर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे थोड़े से साबुत चावल रखें और आपने जो लौंग और इलायची भगवान जी के चरणों में रखी थी, उस लौंग और इलायची को आप उठाकर अपने सीधे यानी कि राइट हैंड की हथेली पर रखकर मुट्ठी में बंद कर लें। आपको ऐसी लौंग और इलायची लेनी है जो कटी फटी ना हो, यानी कि साबुत इलायची होनी चाहिए, पूरी पूर्ण इलायची और एक फूल वाली साबुत लौंग होनी चाहिए जो पूजा में इस्तेमाल होती है। लौंग और इलायची को मुट्ठी में बंद करने के बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ह्री ह्री श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्री ह्री श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद आप एक पीले रंग का कपड़ा लें, उस कपड़े को भी गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर उस कपड़े में आप लौंग और इलायची को रखकर कपड़े पर सिलाई लगा दें या फिर गांठ बांधकर एक पोटली बना लें। कपड़े के इस पोटली को अब आप भगवान जी के चरणों में स्पर्श कराएं और फिर स्पर्श कराने के बाद आप दिए पर क्लॉकवाइज उसे 11 बार घुमाएं और पोटली को घुमाते समय भी आप इसी मंत्र का जाप करें। अब इस पोटली को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। जहां पर भी आप धन रखते हैं, कोई तिजोरी हो, कोई अलमारी हो, जहां भी आप धन रखते हैं, बैंक की किताब ATM रखते हैं, वहां पर आप इस पोटली को रख दें। इस पोटली को आप जहां भी रखें वहां याद रखें, वहां आप अशुद्धियां गंदे हाथ ना लगाएं, नहीं तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इस उपाय को करने से धन में बरकत होती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और धन की हानि नहीं होती, दरिद्रता का नाश होता है। इस पोटली को आप अगली पूर्णिमा तक धन रखने के स्थान पर रखा रहने दें। फिर अगली पूर्णिमा पर आप इस पोटली को फिर से उठाएं और पूर्णिमा की रात्रि को इस प्रक्रिया को द्वारा इसी तरह से दोहराएं और फिर धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी आपको इसके चमत्कारिक फायदे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के एसथी राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।